शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, कल है वीकली एक्सपायरी एंड वीकली एक्सपायरी में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, सारे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा आज की मार्केट हमें पता था कि गैप अप ओपनिंग हुई, इसके अलावा हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली अपने लेवल पर ही ओपन हुई एंड उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर, एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स थे जिसमें हम लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश करी थी, कुछ बढ़िया रहे कुछ नहीं बढ़िया रहे, बट कल के मार्केट किस तरीके से रह सकती है, बिकॉज अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करूं तो मुझे लगता है एक सपोर्ट मिल चुका है मार्केट को एंड वहां से मार्केट बाउंस कर सकती है या फिर कल गैप अप खुल के ऊपर जा सकती है। और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा को चेक करूं तो मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि मार्केट अभी भी वीक है। क्या ये जो अभी फॉल आ रहा था, ये फॉल क्या कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, एक्सपायरी कैसी रहने वाली है, क्या मैंने कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी दे रखी है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और वीडियो के अंदर बात करते हैं। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक सप्लाई जोन क्रिएट करा हुआ है। ये एक सप्लाई जोन है जहां पर बार बार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था एंड फाइनली इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। पास्ट वीक इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ऊपर गया, ऊपर देने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर से रीटेस्ट करा। अब अगर आप लोग मार्केट को आज पूरे दिन वॉच कर रहे होंगे तो अगर आप लोग देख रहे होंगे कि 39,500 ये बहुत अच्छे से लेवल सस्टेन कर रहा था बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स भी चल रहे थे, मतलब ज्यादा गिरे हुए नहीं थे। अकॉर्डिंग टू निफ्टी, निफ्टी सबसे ज्यादा वीक था। सो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट पे अभी भी कुछ मजबूती है कि वहां पर बैंक निफ्टी रिकवर कर सकता है, बैंक निफ्टी 39,500 के आसपास ही कंटिन्यू कर सकता है, तो वो मैं आपको अभी फर्दर बताऊंगा। बट अगर उसकी बात कर रहे हैं तो फेडरल बैंक मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रेकआउट देने के बाद बहुत बढ़िया रीटेस्ट करा। अब एक बार चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सी दिस, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। क्लियरली यहां पर आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट दिख रहा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देते हैं, दिस शुड बी आवर ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जैसे ही निकलता है तभी हम लोगों को एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब यहां पर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूंगा फ्रॉम टॉप टू दिस पर्टिकुलर बॉटम। तो आप देख रहे होंगे ये जो टॉप और बॉटम का 61% है एग्जैक्टली इस लेवल पे अभी ये पॉज ले रहा है। सो करंट प्राइस इज 94.05 रुपीज। जैसे ये 94.3540 के ऊपर जाएगा हमारे लिए एक बाइंग सेटअप जनरेट हो सकता है और हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी 98 रुपीज। फर्स्ट टारगेट शुड भी 96 रुपीज, सेकंड टारगेट शुड भी 98 रुपीज का, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक था फेडरल बैंक। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को आज भी बोला था बाय करने के लिए अपने कल के यूट्यूब चैनल पे एंड बहुत ही बढ़िया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर गया है और बहुत बढ़िया से हमारे टारगेट्स अचीव करे, बट एक्सपेक्टेडली हमारे टारगेट के ऊपर भी इसने ब्रीच करा तो एक अच्छा ब्रेकआउट और देखने को मिला है। सो लेट मी शो यू। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रेंज है, ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, एक डिमांड जोन है, एक ऊपर ब्लू कलर का जोन होगा जो कि एक सप्लाई जोन है। इसी रेंज के अंदर अभी ये स्टॉक काम कर रहा है। जब भी अपने जोन पे टेस्ट करता है, जब भी एक डिमांड जोन एक सपोर्ट पे टेस्ट करता है, आप देखते होंगे ये क्रिएट करता है एक डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो। डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट करने के बाद इट गिव अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ रीटेस्ट और इसका जो प्रीवियस हाई होता है अपने प्रीवियस हाई तक जाता है। सेम सिनेरियो यहां पर भी हमें देखने को मिला, इट गेव अ फॉल एंड इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। डबल बॉटम करने के बाद इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट कैन गिव अ रीटेस्ट और रीटेस्ट देने के बाद अपने प्रीवियस हाइज तक भी जा सकता है। अब आपको याद होगा कि मैंने कल आप लोगों को बोला था इसको बाय करने के लिए 2780 रुपीज के ऊपर एंड अ टारगेट शुड भी 2880, 100 रुपये का हमारा टारगेट था और ये 150 पॉइंट्स की इसलिए रैली दी है। सो ऑलमोस्ट हमारे 100 पॉइंट्स तो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी बाय के रेडार में है। अब देखिए जो हमारा बाय लेवल था जो कि 2880 रुपीज का इसने जो ब्रेकआउट दिया है, यस उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ऊपर है। सो कल अगर बाय चांस इसमें गिरावट आती है स्टार्टिंग में और अगर वो आपको इसके लेवल में मिलता है 2880-2900 के आसपास में मिलता है तो क्या करना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना, चेक करना कि यहाँ पर कोई रिवर्सल आ रहा है। जैसे रिवर्सल आया आप तुरंत वहां पर अपनी बाय पोजिशन बना सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू हम जो अपना टारगेट एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं दैट शुड बी दिस लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर आप जरूर ऐड कर सकते हो, हम लोग दूसरे दिन भी इसे बाय करके चल सकते हैं। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी हमारे लिए बाय के लिए सेटअप है।
तो जैसा कि हम लोगों ने कल मेट्रोपोलिस में देखा था ना कि किस तरीके से करेक्शन जो आ रही थी, जो फॉल आ रहा था वो कम कम होते जा रहा था और दोबारा एक ट्रेंड चेंज हुआ था और वी शेप रिकवरी में। तो एग्जैक्टली मुझे इस तरीके से भी यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा एग्जैक्टली अपने इस बॉटम से एक बहुत बड़ी अप मूव आई, उसके बाद एक फॉल आया, फॉल आने के बाद इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम और एक रिवर्सल स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब ये जो फॉल आया मतलब ये बॉटम है और ये टॉप, फॉल आया एग्जैक्टली 61.8% लेवल में, विच इज अ गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल, विच इज वेरी गुड। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रीजन क्या था, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, बट आपको सिखाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं। और ये डाउन ट्रेंड के अंदर था ये पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा अपने प्रीवियस हाई के ऊपर गया, मतलब एक हायर हाई बना, नीचे आया अपने लो को ब्रेक नहीं करा, एक हायर लो क्रिएट हुआ, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ। पहले ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, अब ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर गया, नीचे आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, फिर ऊपर गया अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, अगेन नीचे आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, और ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट ले रहा है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहां पर एक फिबोनाची ड्रॉ करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। ये हमारा टॉप है एंड ये हमारा बॉटम है। ठीक है, तो इस फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, दैट शुड बी फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस एंड आवर सेकंड टारगेट शुड बी अराउंड दिस, जो कि हमारा प्रीवियस है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम अगर इस पर अपनी बाय पोजीशन बनानी है तो हम लोग करंट प्राइस इसका 829 रुपीस का है, हम लोग 832 रुपीस के ऊपर इस पर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। क्यों मैं बताता हूँ, ये देख रहे हैं पूरा फॉल आया, ये फॉल आने के बाद यहाँ पर इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई, दोबारा एक फॉल आया, इसी लेवल पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एक डोजी कैंडल बना के। यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गया है कि इस जो कैंडल थी यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी थी वो फेल हो गई, तो उसका जो 50% है ये इस कैंडल का 50% के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग करेगी हमारे लिए बाय सेटअप होगा, तो उसके ऊपर बाय करेंगे, दिस शुड बी अ टारगेट, दिस शुड बी अ टारगेट। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन स्टॉक करी आपको कुछ बताने के लिए। देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पहला गैप अप जो हमें देखने को मिला था वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप था, इसके अलावा सेकेंड गैप अप ये था, थर्ड गैप अप ये था, फोर्थ गैप अप ये था एंड फिफ्थ गैप अप ये था। अब आप देख पा रहे होंगे फिफ्थ वाला जो सबसे लास्ट वाला जो गैप अप था वो फेल हो गया, ये वाला गैप अप भी ऑलमोस्ट फेल हो गया। अब ये तीन गैप अप बचे हैं जो फेल होना रहते हैं, क्या ये फेल होंगे? देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते, फेल होना भी चाहेंगे तो फेल हो सकता है, या फिर 3 साल बाद भी हो सकते हैं, 15 दिन बाद भी हो सकते हैं, या फिर ना भी हो फेल। तो हम ये सोच के नहीं सकते कि अगर कोई भी चीज़ गैप अप ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है, तो वो हमेशा फेल होगी। तो यह मैं आपको आइडिया से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमारे सपोर्ट्स काम कर सकते हैं ऑन अ डाउनफॉल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल फिबोनाची के बेसिस पे अपने एनालिसिस करते हैं। इस लेवल से एक रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, इस लेवल से एक रैली आना स्टार्ट हुई है। तो ये मेरा बॉटम है और ये मेरा टॉप है। तो जब मैंने बॉटम और टॉप से फिबोनाची बनाया तो मुझको पता चला कि एग्जैक्टली 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे मेरा एक 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट डेफिनेटली ले सकता है, इसको हटा देते हैं। अब दूसरी चीज, अब देख पा रहे हो जब इंडेक्स ऊपर गया, इसने हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर गया अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, दोबारा नीचे आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, तो हायर हाइस हायर लोस कर रहा है। ठीक है, ये दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर आने के बाद अब फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। क्या कर रहा है, पहले इसने यहाँ रिट्रेसमेंट लिया था और दोबारा ऊपर गया, यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, दोबारा ऊपर गया, अब यहाँ रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब हमें समझने वाली चीज है कि ये जो रिट्रेसमेंट ले रहा है कितने परसेंटेज की होती थी। सो सबसे पहले हम लोगों ने पहला रिट्रेसमेंट लिया तो ये 61% की थी। ठीक है, दूसरा वाला जो रिट्रेसमेंट आया वो आया ऑलमोस्ट 38% का। ठीक है, अब जो तीसरा वाला रिट्रेसमेंट आएगा वो आएगा 38 to 50 के पास। तो मैं, ये रहा मेरा बॉटम, ये रहा मेरा टॉप, तो ऑलमोस्ट आया 51 तक। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो पहला बॉटम से ऊपर टॉप तक फिबोनाची बनाया था उसका लेवल आ रहा था 61 और यहाँ पर ये लेवल आ रहा है। सो मेरे हिसाब से जो जोन है, इस पर्टिकुलर जोन पे जो एक्यूमुलेशन जोन है वो है ये लेवल का। इस लेवल पे हम लोगों को अपनी बाइंग स्टार्ट करनी है। आपको जैसे 18,150 ये बॉटम है 150 का एंड ये रेजिस्टेंस है 230 का, तो जैसे आपको 18,150 230 के आसपास मिलता है यू कैन स्टार्ट बाइंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। मुझे लगता है इससे ज़्यादा नीचे जाना है गए ये नहीं, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, डेफिनेटली रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है कि और करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है।
आपको पता है मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, और इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, बिकॉज यहाँ पर जो ऊपर डिमांड के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पर ना एक फॉल्स सप्लाई बनाई जा रही है, तो वहां पर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग अपनी पोजीशन को बाय कर रहे हैं नीचे से, वो दोबारा अपने डिमांड के ऊपर जाएंगे स्टॉक्स। तो ये जो भी बहुत अच्छे से स्टॉक्स, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं जो गिरे हुए हैं, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दी स्टॉक्स, मुझे लगता है वो दोबारा अपने प्रीवियस हाई तक आने वाले टाइम पे जा सकते हैं। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मैंने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, सारे रेजिस्टेंस को करेक्ट करते हुए अभी ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को मैंने टेस्ट करवा था और इसने एक ब्रेकआउट दिया, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। आफ्टर दैट इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑन द नेक्स्ट डे। उसके बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बहुत टाइम से ना कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज के अंदर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं रेंज का बहुत बढ़िया सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम कर रही है एट दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है ना। सो अगर आप लोगों को बाय करना है, कल आप लोगों को एग्जैक्टली करेंट लेवल पे मिलता है या आपको थोड़ा बहुत डिप पे मिलता है, थोड़ा बहुत डिप इन द सेंस अगर आपको मिलता है 39,400 रुपीज के आसपास, सो व्हाट यू कैन डू, आप लोग यहाँ पर एक बाय बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट दिस प्राइस। और टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट मी शो यू टारगेट जो मेरे होंगे अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन, दैट शुड बी अराउंड दिस मच 40,600 रुपीज का, जो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक तो मिनिमम बैंक निफ्टी जा सकता है अगर ये अपने 40,000 को ब्रेक करता है, क्योंकि 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट शुड बी 40,600, क्योंकि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न कभी ब्रेकआउट होगा, उसके अलावा एक राइजिंग चैनल का ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट का भी एक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, बट आप दोनों में ट्रेड सेटअप लेकर काम कर सकते हैं। मुझे अब मैं आपको दो सिनेरियो बता रहा हूँ, एग्जैक्टली दोनों के बेसिस पे से एक काम जरूर आएगा, कल ध्यान से सुनिएगा। देखिए कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है ना, गैप अप खुलने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आएगा, तुरंत जब गैप अप खुलेगा थोड़ी देर में एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। उस सेलिंग प्रेशर में जो मैंने आपको जोन बताया ना, जिस जोन में हम लोग बाय कर सकते हैं, उसी जोन के आसपास आएगा तो आपको बाय कर लेना है, बिकॉज वो एक फॉल्स सप्लाई क्रिएट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि एक ब्रेकआउट आएगा, एक गैप अप खुलेगा, स्टार्टिंग में एक फॉल्स सप्लाई क्रिएट होना स्टार्ट होगी और वहीं पर एक डिमांड आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दो सिनेरियो बता रहा हूँ, पहला गैप अप खुलेगा तो कुछ मत करना, नीचे आएगा, डेफिनेटली नीचे आएगा, नीचे आएगा वहाँ पर एक बढ़िया सा जोन ढूंढना बाय के लिए और तुरंत बाय कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मार्केट दोबारा रिकवर कर जाएगी। अदरवाइज अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिकवर करती है तो रिकवर में आप दोबारा बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर दो चीजें आपको पता चल गई है कि आपको बाय ही करना है, शॉर्ट बिल्कुल भी करके नहीं चलना, नीचे जाकर रिवर्सल देगा तो ही हमें बाय करना है, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैंने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी हुई है, तो बेसिकली हो सकता है कि अगर इसका कल गैप डाउन में ब्रेकडाउन दे दे तो यहाँ पर एक बार कोई सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस कर सकती है, तो इस सपोर्ट पर भी आप लोग बाय कर सकते हैं और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट और एफआई डाटा। तो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है, एंड सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पहले पुट अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रही है। पुट अनवाइंडिंग होता है कि जिन लोगों ने भी पुट को शॉर्ट कर रखा था वो लोग एग्जिट कर रहे हैं और पुट लॉन्ग होना स्टार्ट हो रही है। तो निफ्टी के अंदर पुट अनवाइंडिंग 80,300, 350, 400, 450, 500 तक हमें देखने को मिली है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन, ये बहुत बुरा साइन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स 300 से लेके 500 तक एक्टिव ही एक्टिव है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि निफ्टी बैंक अब टेक्निकल्स के बेसिस पे बढ़िया लग रहा है और ऑप्शंस के बेसिस पे बिल्कुल अलग लग रहा है। तो अब आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, मैं जितने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट का डाटा अभी जो शो करता है और मार्केट खुलने के 5 मिनट बाद जो शो करता है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है उस चीज में। तो यहाँ पर अभी इस बेसिस पे तो मैं डिसीजन लूंगा नहीं, मैं ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करता ही नहीं, मैं तो टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ, इट्स जस्ट अ सपोर्ट जो मैं एक बार ट्राई के लिए लेता हूँ, ठीक है, या चेक कर। तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट में सेलिंग साइड दिखा रहा है, बट जो मैंने आपको तरीका बताया, यस गिरावट आएगी, अगर गैप अप खुलेगा तो हल्का सा फॉल आएगा और अगर नीचे खुलेगा तो एक रिकवरी आएगी, हमें बाय के मौके सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज इन दी एंड मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर चेक करें तो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, पुट अनवाइंडिंग भी हुई है और कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है। तो हाईएस्ट यहाँ पर पुट राइटर्स है, तो यानी कि एक सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है 39,500 रुपीज़ का, तो 39,600 और 39,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। ये ज़्यादा दूर को तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर हम देखें तो अब पुट राइटर 39,300 और 100 पे है। हमने आपको बता दिया कि 300 400 के आसपास आएगा तो हम लोग वहां पर अपनी बाय पोजीशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। अदरवाइज गैप अप खुलने के बाद एक छोटा सा जो स्टार्टिंग में जो गिरावट आएगी वहां पर हमें बाय के मौके सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एक बार एफआईआई का डाटा भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। एफआईआई के डाटा में अगर हम चेक करें तो उन लोगों ने 88,000 कॉल्स बाय करी हैं, 2 लाख क्वांटिटीज की पुट लॉक करी है। तो यानी कि वो लोग अगर ऑप्शंस की बात करें तो वो लोग बियरिश है। इसके अलावा उन लोगों ने 298 करोड़ की फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट कर रखी है एंड स्टॉक्स पे दोनों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास, सॉरी ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के 4,000 करोड़ के आसपास स्टॉक्स पे सेलिंग कर रखी है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसके बेसिस पे काम नहीं कर रही, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूँ ये सारी चीज़ें होती नहीं है। ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के अकॉर्डिंग वर्क करती है। प्राइस मुझे बता रही थी मार्केट दो डायरेक्शन के बेसिस पे चल सकती है बट रिकवरी आएगी कल के ट्रेडिंग सेशन पे और वही हमें अपना फायदा उठाना है। तो ये जो पूरा डाटा दिख रहा है ना, ये पूरा डाटा मुझे बता रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन खुल सकती है फिर एक रिकवरी आ सकती है। बिकॉज गैप डाउन खुलेगी ना तो ये जितने लोग भी हैं वो लोग क्योंकि एक्सपायरी है वो लोग अपनी पोजिशन को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पे वहां पर अपनी एक शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा जरूर। तो चलिए वीडियो को एंड करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्स के साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलेगा, लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बिकॉज कल एक्सपायरी है, मैं बहुत अपडेट्स देने वाला हूँ अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो वहां पर जरूर ध्यान रखना।